सुनो आप लोग मेडिटेशन करो तो देखे कीड़ों का आवाज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे 2:45, आज है ट्यूसडे। कुछ भी शूट नहीं किया था सुबह से। आज मैंने सोचा भी नहीं था मेरे वीडियो आज शायद नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप लोग शायद न्यूज में तो देखे ही होंगे ट्यूसडे मतलब मंडे रात से इतना बारिश हो रहा था। सुबह से तो मेरा टेंशन हो रहा था, शांतनु कैसे कहकर ऑफिस जाएगा, गाड़ी तो निकाल नहीं सकते, ऑफिस का कोच होता है वो भी नहीं आया था, तो इसीलिए शांतनु गए ऑटो से, वो भी हमारे कॉलोनी से निकल के, और एक कॉलोनी, दो तीन कॉलोनी है वो भी साइड से कोई भी ऑटो नहीं जा रहा था, क्योंकि काफी मतलब इतना बारिश था आधा ऑटो डूब जाएगा ऐसा वाला। नेट कल रात से नहीं था, नेट सिग्नल कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा लैंडलाइन चल रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत मैं मतलब बोलते हैं ना स्ट्रेस फ्री थी। एटलीस्ट शांतनु से बात हो गए, तो उसके बाद शांतनु ऑटो से गए थे, काफी दूर तक चल के जाना पड़ा था, तो वो शांतनु जब ऑफिस से आएंगे उसका क्लिपिंग्स कुछ दिखाऊंगी। पीटी का स्कूल में भी मैंने तो सोच लिया था मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स पेरेंट्स जो है वो भेजने नहीं वाले थे बच्चों को। कल भी तो छुट्टी किया था, क्योंकि कल भी बहुत ज्यादा सुबह में बारिश हुआ था, सेकेंड हाफ का तो छुट्टी ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ था आज मॉर्निंग में, लेकिन गवर्नमेंट से ही डिक्लेयर हो गया छुट्टी। आपको लग रहा है स्वीटी कश्मीर में पहुंच गई, ठंडी में हुडी पहन लिया, रियली बहुत ठंडी है, फैन ना चलाओ तो भी होता है। 2005 में जो बाढ़ आई थी मुंबई पे, उसका एक्सपीरियंस बहुत हॉरेबल था। उसके बाद से जब भी बहुत ज्यादा बारिश होता है और मुंबई पे ना हमारे वहाँ पे बारिश होता है थोड़ा, 2-4 घंटा हो गया चलो बंद हो गया, लेकिन मुंबई पे बारिश एक बार शुरू हो गया ना तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैं भी पहले जब आई थी मुझे भी बहुत डर लग रहा था, इतना बारिश हो रहा है खत्म भी नहीं हो रहा, बाढ़ जैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है हर साल मुंबई बारिश में, कुछ ना कुछ फैमिलीज का कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। शांतनु को ऑफिस जाना ही था, कैसे कहो, मैंने बोला छुट्टी ले लो तो बोले नहीं, मुझे कैसे भी करके ऑफिस जाना है, कुछ काम है वो करना ही है। नीचे का 4 सीढ़ियां डूब गया था, क्योंकि हमें और भी डर था ग्राउंड फ्लोर में पानी ना चला जाए, क्योंकि 2005 में ग्राउंड फ्लोर में पानी चला गया था। पहले वीडियो जो है वो पब्लिश करो, अभी तक पब्लिश नहीं किया, थोड़ा वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा नेट गड़बड़ा रहा है, नेट जो हाथवे का कनेक्शन है ना उनको फोन किया तो पहले बोला था ठीक नहीं होगा, मैं बोला हो गया, तो आज तो मोबाइल भी जियो भी नहीं है जो जियो से मैं उसको अपलोड करूँ। उसके बाद कुछ देर बाद देखा धीरे धीरे ठीक हो गया, हाँ अपने आप ठीक हो गया। स्वीटी को देख के नहीं लग रहा स्वीटी कश्मीर में है, है कश्मीर हो सको, इतना ठंडी नहीं, ठंडी है बहुत ज्यादा ठंडी है। और अभी मैं देखने जा रही हूँ पानी किधर जाता है, अभी तो इधर तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो चलो देखते हैं। पानी भी कम हुआ है, ठीक है चलो, ये देखो पानी किधर तक गया, ज्यादा नहीं है अभी, देखो शांतनु कैसे करके आ रहे पानी में तैरते, अभी पानी बहुत कम हो गया, बेचारा डॉगी भी क्या कर रहा है। मैं ना वेट कर रही थी खिड़की के वहाँ पे, देखा शांतनु तैरते तैरते आ रहे, पानी अभी कम हो गया, आ रहे दूसरा देखता है जो भी कनेक्शन है जहाँ पे भी मतलब ये लो लाई नहीं दिया है, बस नहीं आया, एक भी ऑफिस को बस नहीं आया, और गाड़ी तो निकाल नहीं सकते, यहाँ पे गाड़ी है उसका ट्रेन सब बंद है, बहुत ज्यादा कुछ हुआ, क्योंकि मैं बारिश नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो तो आप न्यूज पे देख लोगे, फ्लड जो है वो न्यूज पे देख लोगे, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा टेंशन हो रहा था शांतनु ऑफिस से आएगा कैसे, आज जल्दी भी छुट्टी हो गया, तो अभी कितना बजे, 3:40 ना, मैं शांतनु को पूछ रही तो कैसा लग रहा था, आज थोड़ा अभी न्यूज में सिर्फ देख रही हूँ एक जगह पे, सुबह में जब जा रहा था तब थोड़ा डर लग रहा था, मतलब पानी इतना था ना यहाँ पर, मतलब मैनहोल ओपन है,
मैं शांतनु को बोल एक डंडा लेके जाना था ना, शांतनु को बोला मैंने एक डंडा एटलीस्ट छड़ी जैसे कुछ लेके जाओ, एटलीस्ट पता चलता है सामने कुछ है। तो ऑटो से और भी है ना, वो चारों तरफ जबरदस्त फिर से वो बारिश स्टार्ट हो गया। इस चीज का हाईवे आज पूरा इसलिए खाली था। काफी सारे ऑफिस में छुट्टी है, स्कूल तो छुट्टी है। काफी सारे जगह बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है, जैसा मतलब बहुत खराब है, इसीलिए मैं बहुत बारिश मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश मैंने बहुत कुछ फैमिली को बहुत कुछ होते हुए देखा है। वहाँ पर तो नहीं होता है, मुंबई में इतना बारिश का जरूरत नहीं है। नहीं मुंबई में उतना बारिश की भी जरूरत नहीं है, हमारा हाथ में कोई कंट्रोल है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जहाँ देखो महाराष्ट्र में और बिदर्भ, वो वहाँ पे पानी के लिए मतलब लोग मतलब मरते हैं, ऐसा वाला हालत है, लेकिन वहाँ पे पानी की जरूरत है मुंबई पे। और अभी हाई टाइड हो रहा है, हाई टाइड में क्या होता है जो पानी होता है वो निकल, 4 मीटर का हाई टाइड था, मतलब 4 मीटर मतलब ऑलमोस्ट मेरे से भी ज्यादा हाइट का है, समुंदर उतना हाइट तक जाएगा तो फिर वो पानी नीचे आने में भी कितना समय लगेगा, क्योंकि जब तक समुंदर का हाई टाइड खत्म नहीं होगा तब तक जो हमारे यहाँ पे मुंबई में जो पानी है, मुंबई का पानी निकलता है समुंदर पे, ड्रेनेज जो है सो सब समुंदर पे जाता है, तो वो तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ आसपास के कॉलोनी में सातुर बोला हमारे कॉलोनी में पानी कम हो गया, आसपास के हमारा स्टाफ ऑफ कोई नहीं है, मतलब जिन लोगों को ट्रेन से आते हैं वो लोग नहीं आते। मेरा एक्सपीरियंस बता, 26 जुलाई बोला तो और भी था, वो तो क्लाउड बस्ट हुआ था उस दिन। लकीली शांतनु ऑफिस नहीं गए थे, मतलब उस दिन नेक्स्ट डे मेरा शायद कुछ एग्जाम था उनका, तो कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, उस दिन नहीं गए थे। उस दिन लकीली शांतनु ऑफिस नहीं गया था। दोपहर से बारिश जो शुरू हुआ था, मतलब रात भर रात को पानी नीचे ग्राउंड फ्लोर में चला गया था, एक्सप्रेस हाईवे पूरा भर गया था। लेडी स्टाफ थी उसको हाथ से पकड़ा फिर छोड़ गया, वो उसको पानी बाहर लेके चला गया था। काफी सारे मैंने काफी सारे डेड बॉडीज देखा था, हॉरेबल एक्सपीरियंस। आसपास के और दो कॉलोनियां थी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दो तीन या चार ऐसे ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया था, जो फैमिली थे पूरा कोई भी फैमिली मेंबर बचे नहीं थे वहाँ पे, इतना दूर तक पानी था। मतलब आप शांतनु का अगर देखेंगे ना तो ये हाइट तक पानी था, मिलन सभे में चेस्ट लेवल तक पानी था मिलन सभे। हम लोग एक स्टाफ आता है तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने वो ऊपर फ्लाईओवर ट्रैक से आया, रेलवे ट्रैक से उनका तो शायद पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, मतलब बहुत बैड वाला। लोग 26 जुलाई 2005 का इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया है, बस उसके बाद से बारिश बहुत ज्यादा बारिश, बहुत हैवी बारिश होता है तब लोगों का दिल धड़कने लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो दो बजे मैं देखा, दो बजे बारिश इतना था, इतना दो स्टेप चला गया, हमारे नीचे बैठने वाला जो बेंच है ना वो डूब गया। 2005 का जो हुआ था वो दिन से शुरू हुआ था, लोग एकदम पूरा मतलब जहाँ का तहाँ सब रह जाते, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो जाता, घर जाना पॉसिबल नहीं होता, मतलब बहुत कुछ कुछ कुछ। उस टाइम पे स्कूल में तो सभी बच्चों को रखना पड़ा था 2005 में, स्कूल में हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड टीचर हाँ स्कूल में सब बच्चों को रखना पड़ा था उस टाइम पे, स्पेशली बच्चों को खाना देना वो सब। बापरे हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर सबका डूब गया था, इनका एक बॉस था उनका पूरा ग्राउंड फ्लोर का जो भी सामान था सिर्फ कंप्यूटर बचा पाए थे और जो डॉक्यूमेंट्स थे बस, किसी किसी का पूरा फैमिली ग्राउंड फ्लोर में डूब गए थे पूरी फैमिली। तो दूध वाले ने दूध नहीं दिया तो इसीलिए आज चाय भी बन रहा है पाउडर दूध से, लकीली पाउडर दूध था नहीं तो हो गया, आज लाल चाय पीना पड़ता। क्या कर रहा है अभी दूध वाला भी बेचारा, सुबह सुबह उतना पानी में थोड़ी, वो तो उसके लिए आना ही पॉसिबल नहीं था इतना पानी था। वही सोच रहे हो, लेकिन जो जो इमरजेंसी सर्विस में काम करते हैं उनके लिए कितना, उनके लिए तो जैसे भी करके वो जाना तो पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ, जो दूर में रहते हो क्या करते, कैसे करते आपके? मैं तो, हाँ तुम्हारा ऑफिस फिर भी नजदीक में है, हाँ तुम भी गए तो जाना तो पड़ेगा, क्या करे। अरे फर्स्ट तुम भूले नहीं था, अरे मैं रोम पड़ो दिया है हाँ। मैं पहले गर्म पानी में घुल के देती थी, मैंने देखा ऐसे करके भी होता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस मैंने हम बटे ना अरे मेरा एक्सपीरियंस मैं खुद ट्राई किया इसीलिए।
मैं एक वार्निंग दे रही हूँ, मैं जैसा पाउडर दूध मिल्क ऐसा करके दे रही हूँ वैसा आप करना मत, अगर कर रहे हो तो अपनी रिस्क में करना। Please do not try at home. हाँ, वो जैसे देता है ना लाइफ यू कैन ट्राई इन द ऑफिस। नहीं नहीं, अरे डिस्क्लेमर दे देते ना, वार्निंग, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अपने रिस्क में कर रहे हो। हाँ, कभी कभार आपका चाय भी फट भी सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा उसमें नहीं होता है। दो मिनट में देखा ना मेरा फेस, मेरा समझ में नहीं आता है, बोलने क्या बल है। ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट बोला क्या, दो मिनट तक सोचना पड़ता है। बल्ब हो, बल्ब हो जाओ, अभी तक तो बल्ब नहीं हुआ। मैं बल्ब भी हूँ, अभी भी वो ट्यूबलाइट ही है। मैं ट्यूबलाइट नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्यूबलाइट अच्छा है, वाइट। मैंने घर का सारा ट्यूबलाइट हटा दिया है, फिर भी ये ट्यूबलाइट अभी तक मतलब चेंज अपग्रेड नहीं हुआ। अरे इतना थोड़ी दिमाग में इतना कुछ भर के रखा है, और कितना ट्यूबलाइट बंद होके CFL आया, उसके अभी अपग्रेड हो गया, अभी LED आया, अभी तक ये ट्यूबलाइट नहीं। सच में कभी कभी सांतो ऐसा बोल देता ना, कल भी एक क्या बोला था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, स्वीटी और इसको समझ में आ गए, और मैं ना दो मिनट तक सोची बोला क्या, उसके बाद मैंने सोचा हाँ, मतलब तीन चार बार रिपीट करता है तब मेरे समझ में आता। और ये सब खराब खराब चीजें मैं नहीं सीखती, मैं अच्छी वाली सारी चीजें सीखती हूँ। खराब क्या है, तुम टेढ़ा करके बोल रहे हो, वो तो मतलब वो तो सीधा लैंग्वेज हुआ नहीं ना, ये पजल है। पढ़ाई लिखाई तो हो गया, दिमाग खुलना हो गया। नहीं, चाय अच्छा बना है आज, मैं बहुत खुश हूँ ना, मैं पाउडर मोटी बना है, चाय अच्छा बना है, पाउडर दूध का चाय पीना अच्छा लगता है। अच्छा किया दूध वाले ने, दूध नहीं दिया। अभी मैं कौन सा बालकनी में है, दूसरा वाला बालकनी में हूँ। कल ये लाइट लगाया, एक्चुअली ये लाइट जो है ना वो खराब हो गया था, पहले दिखाऊं कैसा है, थोड़ा होकस पोकस होकस पोकस। हाँ, ये जो है ये लाइट ठीक था, लेकिन ये ऊपर का मेन लाइट ये खराब हो गया था। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रखा, सिर्फ यही वाला जो है ये तो रहता ही है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा साफ 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 सुथरा किया, नहीं साफ सुथरा तो सभी था, लेकिन थोड़ा बहुत अरेंज किया, ये लाइट वाइट ठीक किया। ये बालकनी एक्चुअली छाता गीला सामान रहता है, कभी कभी छाता होता है, शूज जो गीला रहता है वो रहता है, कभी कभी कपड़ा गीला रहता है, और ये तो रहता नहीं, ये सबसे ये लेकिन टूट भी गया, मतलब शांतनु का शूज यहाँ पे। इसमें देखो, इसमें रहता है स्वीटी का स्कूल का शूज, मतलब एक्स्ट्रा शूज, क्या करो वो सब रहेगा। छाता को देखो, अच्छा वाला छाता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, इसका डंडा अभी तक मैंने ठीक नहीं करा, जो होता है नीचे वाला वो टूट गया, तो टूट गया पकड़ने के लिए आया ना, वही चलता है। एक्चुअली नीचे कभी कभार स्वीटी और मैं जाती हूँ ना, तो तब लेके जाती हूँ, अदरवाइज ये कभी कभी गाड़ी में ले जाने के लिए वही ऐसा ही काम आता है। You said that you needed me like a cargo, you were carrying me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. जो सब्जी बनाया ना, आलू और गोभी का सब्जी कॉलीफ्लावर का, और वही मसाला धनिया और वो सारे पाउडर, किसी एक दिन अच्छी तरह से शेयर करेंगे। दो तीन चीजें दिया है एक्सपेरिमेंट, राइट को ना, अभी मैं बोल रही हूँ तभी उसको खा, तो ये जरूर शेयर करूंगी। अभी बना रही हूँ मेथी पराठा, आज कुछ सोचा था कुछ और शेयर करूंगी, लेकिन उसमें एक दो सामान नहीं है, बेसन नहीं है, बेसन रिलेटेड कुछ था नहीं, वो कमिंग ब्लॉग में। नाइट लॉन्ग yeah, we dance with our razor tongues and all day long yeah, we reset under burning sun, catching the waves, inhale exhale, reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by.
stolen, take you away. Love for a day, replay. We don't care about what they say, and I go on and on. Come on, छुपा हुआ है. यहाँ से निकाले बैठ गए ऐसा करके, इसीलिए रखा है यहाँ पे. नीचे रखा है क्योंकि सेंटर टेबल में बैठने के लिए सामने सामने रहेगा ना तो इजी होता है. और शांतनु को इसमें बैठ के शूज पहनना उतना कंफर्टेबल नहीं रख रहा है क्योंकि ये काफी नीचे मतलब लो हाइट में, इसलिए फिर से मैंने चेयर को रख दिया. बांग्लादेश में खाते है आज तो घर पे जरूर ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि मेरा रेसिपी नहीं पता. घर पे जैसे बनते ये थेपला मतलब मेथी का जो थेपला, ये ऑलरेडी मेरा बहुत बार शेयर कर चुकी है. अगर किसी ने मिस कर दिया तो थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा दो चार वीडियो आगे जाओ. मेरा माइक से आगे का वीडियोस में है. बैंगन फ्राई में मैं पहली बार शुगर दिया, बोलते शुगर देने से बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है, मतलब कलर भी बहुत अच्छे. अच्छा, अब लोगों को बाहर का कीड़े मकोड़ा का आवाज सुनाई दे रहा है ना, तो वो स्वीटी क्या बोल रही है, बोल रही है मेडिटेशन. सुनो देखो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा. शांत ना पता गए अरे मैं आई थोड़ा बालकनी में ऐसे थोड़ा सा मतलब लगा आज ना पता नहीं आप लोगों को बिलीव होगा या नहीं, या ऐसे सिर्फ कीड़ों मकोड़ों का आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन आज मतलब रोड पे एक भी गाड़ी नहीं है. कुछ होता है ना कुछ मतलब तूफान आने के बाद कैसा लगता है शांत, मतलब थमसा गया है ऐसा वाला कुछ. ये कीड़े मकोड़े का आवाज, ये रात को मुझे नींद नहीं आती इनकी वजह से. देखो सुनो आप लोग सुनो, बैकग्राउंड में म्यूजिक. सूटी और मैं तो दो बार चिल्ला के भी गई, मतलब होता है कभी देखना पंछी अगर आवाज करे तो चिल्ला के जाने से चुप हो जाते, इनको तो कुछ भी असर नहीं हो रहा. पता नहीं कुछ अजीब मतलब रात को नहीं, कितना भी खिड़की बंद रखो फिर भी इसका आवाज तो जाता है मेरे कान तक तो जाता है. साथ में उन्होंने कान में पिलो लगा के सो जा, मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ. अब सब प्रे करना अभी ये बारिश ऐसा वाला बारिश कभी ना हो. हाँ बारिश हो लेकिन ऐसा मतलब ऐसा धमाके वाला नहीं चाहिए हमें, विध्वस्त वाला. हाँ मतलब तूफान वाला नहीं चाहिए. वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक बटन नीचे होता है यहाँ पे होता है, जस्ट टुक करके दबाओ. लास्ट वीडियो में कल का वीडियो में काफ़ी सारे लाइक आया है, इसके लिए थैंक यू सो मच. काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे अप्रिशिएशन दिया, मुझसे ज़्यादा आप सब अप्रिशिएशन के हकदार हो. रोज़ वीडियो देखते हो तो वो मुझे झेलना, 15-20 मिनट आप लोग झेल लेते हो. हकदार अलग हो गया. अच्छा हकदार हो आप लोग, हकदार. हाँ मेरी अप्रिशिएशन से ज़्यादा आप लोग प्यार के हकदार हो. देखो जितना कोशिश करूँ उससे ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, बाद में प्रैक्टिस करूँगी. हाँ लेकिन लाइक ज़रूर करना वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, और मेरे चैनल पर अगर हम नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना. यहाँ पे रेड कलर के बटन है तो उसको टुक करके दबा 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 दबा, कलर चेंज करो कलर चेंज करो. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स. बाय गुड नाइट. अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. नहीं ये बोलना जरूरी है, एक फ्रेंड ने बोला था हमने वो बोला नहीं, कभी कभी भूल जाती हूँ. अभी मिलेंगे कल के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. कितना आवाज देखो सुनो, मतलब मेडिटेशन अच्छा हो रहा है. स्वीटी बोल रही है. हां अच्छा स्वीटी बोल छे, पूरा ध्यान रखो वही दिखे जाओ तो पूरा माइंड तक वही दिखे. और साथ में मेडिटेशन कर, बैठ जा पूरी रात. मेडिटेशन मतलब कोई भी चीज के ऊपर तुम ध्यान दो उसी को. उसके बाद क्या लगेगा पता है, ये आवाज मेरे कानों पे बजता रहेगा, कीड़े मकोड़े की आवाज के ऊपर मेडिटेशन करो. साउंड पे तुम ये ध्यान दो. सब कोई बहुत कोई तुम्हारे वो समुद्र के साइड में करता है ना वेव्स के साथ, उसका आवाज स्मूदिंग लगता है. ये तो कान में खटक रहा है, ये कान में लग रहा है. सुनो अब लोग मेडिटेशन करो तो देखे कीड़ों का आवाज. 2 मिनट साल 1 2 3 मैं तो गिन भी सकती हूँ कितने सारे आवाज आ रहे हैं.